फिल्मों के जरिए 2024 चुनाव की बिसात, क्या फिल्मों में बयां हकीकत दिलाएगी ताज? द कश्मीर फाइल्स के बाद अब द केरल स्टोरी, कहां गई गायब हुई 32,000 लड़कियां? केरल की क्रूरता दिखाएगी द केरल स्टोरी। कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पर बनी निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बंपर सफलता के बाद अब निर्माता विपुल अमृतलाल शाह भी एक ऐसे ही गंभीर मुद्दे पर अपनी अगली फिल्म बड़े पर्दे पर ला रही हैं। इस फिल्म का नाम द केरला स्टोरी है, जिसमें केरल में हजारों महिलाओं की तस्करी की दिल दहला देने वाली क्रूरता दिखाई जाएगी। बता दें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के अलग अलग राज्यों में इतिहास के पन्नों में छिपी रही कहानियों को सिनेमा के पर्दे पर दिखाने की हिंदी सिनेमा में शुरू हुई मुहिम में अगला नंबर केरल का है। सिंग इज किंग जैसी फिल्म से निर्माता बने और फोर्स व कमांडो सीरीज की फिल्मों से चर्चित हुए निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने एक ऐसी फिल्म बनाने का ऐलान किया है, जिसकी कहानी देश के दक्षिण में स्थित आखिरी राज्य केरल का कनेक्शन आतंकवादी संगठन ISIS से जोड़ती है। फिल्म का एक टीजर विपुल शाह ने जारी किया, उसके मुताबिक केरल राज्य की हजारों बेटियां दिन ढले गायब होती रही हैं और ये सिलसिला पिछले 12 साल से चला रहा है। टीजर ने खोला राज। द केरला स्टोरी का एक टीजर रिलीज किया गया है, जिसमें केरल में हजारों महिलाओं की तस्करी की दिल दहला देने वाली क्रूरता दिखाई जाएगी। दरअसल केरल में 32,000 से ज्यादा महिलाओं की तस्करी की गई और उन्हें आतंकवादी संगठन ISIS के लिए बेच दिया गया। दरअसल फिल्म में दिखाया गया है कि महिलाओं की यह तस्करी केरल को एक इस्लामिक राज्य में बदलने के एक गुप्त अभियान के तहत की जा रही थी। वापस न लौट बेटी। टीजर के इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि शुरुआत में डिजिटल घड़ी पर वक्त दिखाया जा रहा है। रात के 11:56 से शुरू होकर यह घड़ी 12:01 पर रुक जाती है। घड़ी रुकने के बाद वीडियो में यह लिखा आ रहा है कि अगर आपकी बेटी देर रात तक घर वापस न लौट आए तो आपको कैसा महसूस होता है। केरल में हजारों लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पिछले 12 सालों में वो अपने घर कभी नहीं आई। इस वीडियो में बैकग्राउंड में कई लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने कहा, यह कहानी एक मानवीय त्रासदी की है जो आपको अंदर तक झकझोर देगी। जब सुदीप्तो ने आकर मुझे 3-4 साल से ज्यादा के अपने रिसर्च के साथ सुनाया तो पहली ही बार में मैं रो पड़ा था। उसी दिन मैंने इस फिल्म को बनाने का फैसला किया। मुझे खुशी है कि अब हम फिल्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम घटनाओं की एक बहुत ही वास्तविक, निष्पक्ष और सच्ची कहानी बनाने की उम्मीद करते हैं। इस फिल्म की रिसर्च करने के बाद सुदीप्तो को पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुई कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेल में पाई गई थी। इन ज्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के आतंकवादियों से की गई थी और उन्हें एक तरह से सेक्स का गुलाम बनाया गया था। वीडियो का टीजर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स के बाद अब कई निर्माता लोगों के सामने अपनी फिल्मों के जरिए सच्चाई लाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। अगर आपको भी यह स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे के लिए देखते रहें ग्लोबल वॉइस TV।